नमस्ते स्टूडेंट, हमेशा खुश रहो बेटे। आई एम जेवियन डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शलाके तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है द वॉटरिंग आई। इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट वन एंड पार्ट टू। सो पार्ट वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना इम्पोर्टेंट है द टीयर ड्रेनेज सिस्टम या लेक्राइमल सिस्टम, कि कैसे टीयर का प्रोडक्शन होता है और कैसे वो ड्रेन होता है। तो इसमें यहाँ पे होती है प्रेजेंट हमारे टीयर ग्लैंड है या लेक्राइमल ग्लैंड है। यहाँ से जो सिक्रीशन होता है वो थ्रू आईज जाता है इनटू द लेक्राइमल एपरेटस। ये हमारे लेक्राइमल एपरेटस, यहाँ से पंक्टम के थ्रू थ्रू कैनालिकुलस जाता है लेक्राइमल सैक में, वहां से लेक्राइमल डक्ट में, और वहां से नोज में, और नोज से बाहर आ जाता है। दिस इज द टीयर ड्रेनेज सिस्टम। तो द वॉटरिंग आई कैरेक्टराइज बाय ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स फ्रॉम द कंजक्टिवल सैक। तो जो हमारा कंजक्टिवल सैक है, अगर यहाँ से टीयर्स ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो होके वो इस रूट से ना जाके अगर यहाँ से थ्रू आईज अगर निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड द वॉटरिंग आई। ठीक है, तो इसको ये दो कॉजेज हो सकते हैं, एक तो हाइपरलैक्राइमेशन, एक दूसरा होता है एपिफोरा। तो हाइपरलैक्राइमेशन, इट इज द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ टीयर्स। अगर टीयर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे हाइपरलैक्राइमेशन। सेकेंड कॉज है इसमें एपिफोरा, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ द नॉर्मल सिक्रेटेड टीयर्स। जो टीयर्स है उसका प्रोडक्शन सिक्रेशन तो नॉर्मल है, लेकिन जो उसका आउटफ्लो है या ड्रेनेज हो रहा है टीयर्स का, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। तो उसकी वजह से जो वॉटरिंग आई होती है उसको हम बोलते हैं एपिफोरा। सो हाइपरलैक्राइमेशन में तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी हाइपरलैक्राइमेशन, सेकेंड इज रिफ्लेक्स हाइपरलैक्राइमेशन, एंड थर्ड वन इज सेंट्रल हाइपरलैक्राइमेशन। तो फर्स्ट जो प्राइमरी हाइपरलैक्राइमेशन है वो होता है डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड से। ठीक है, तो जो हमारे मेन लैक्राइमल ग्लैंड है उसका अगर डायरेक्ट स्टिमुलेट करेंगे तो उसकी वजह से जो हाइपरलैक्राइमेशन होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपरलैक्राइमेशन। सेकेंड होता है रिफ्लेक्स हाइपरलैक्राइमेशन, जो होते हैं हमारी फिफ्थ नर्व, जो ट्राइजेमिनल नर्व है, उसकी जो सेंसरी ब्रांचेस की स्टिमुलेशन की वजह से होता है। अगर कॉर्निया या कंजक्टिवा इरिटेट होता है किसी भी डिसीज की वजह से, किसी इरिटेंट की वजह से, तो उसकी वजह से ट्राइजेमिनल नर्व की सेंसरी ब्रांचेस स्टिमुलेट होती है और उसको बोलते हैं हाई रिफ्लेक्स हाइपर लैक्राइमेशन। थर्ड होता है सेंट्रल हाइपर लैक्राइमेशन, वो होता है इमोशनल स्टेट्स की वजह से या वॉलेंट्री लैक्राइमेशन होता है या फिर हिस्टेरिकल लैक्राइमेशन होता है। ये इन्होंने दिखाई है कि यहाँ पे ट्राइजेमिनल और सेंसरी ब्रांचेस तीन होती है मेन ब्रांचेस, एक तो थैलेमिक नर्व होती है, सेकेंड मैगजलर नर्व है, थर्ड मैंडिबुलर नर्व है। तो V1, V2, V3, तो इन तीनों का उन्होंने एरिया बता दिया कि फेस के, हेड के किस पार्ट को ये सप्लाई करती है, इनर्वेट होती है, और ये ट्राइजेमिनल की सेंसरी ब्रांचेस जो फेस पे जाती हैं, इसमें V1 में आती है आपकी ऑप्थैल्मिक टू स्किन अबव ऑर्बिट, ऑर्बिट के ऊपर अगर स्किन की जो इनर्वेट करती है, दैट इज ऑप्थैल्मिक नर्व। उसमें भी पांच ब्रांचेस होती है, लेक्राइमल, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर, इंफ्रा ट्रॉक्लियर, एक्सटर्नल नेजल नर्व, ठीक है, विच इज अ ब्रांच ऑफ द एंटी एथमॉइडल नर्व। तो ये पांच ब्रांचेस होती हैं ऑप्थेल्मिक डिवीजन की। सेकेंड डिवीजन होता है मैक्सिलरी डिवीजन टू स्किन ऑफ चीक बिलो ऑर्बिट, ठीक है, इसकी ब्रांचेस हैं जाइगोमेटिको टेम्पोरल, जाइगोमेटिको फेशियल एंड इंफ्रा ऑर्बिटल। थर्ड जो डिवीजन है ट्राइजेंडर नर्व का, दैट इज मैंडिबुलर टू स्किन ऑफ जॉ एंड फेस बिलो एंगल ऑफ माउथ। इसकी तीन ब्रांचेस होती हैं ऑरिकुलर टेम्पोरल, बक्कल एंड मेंटल। तो ये तीनों डिवीजन की उन्होंने ब्रांचेस बता दी हैं। जो ऑप्थैल्मिक डिवीजन है उसकी जो लेक्राइमल ब्रांच है उसके स्टिमुलेशन की वजह से बेसिकली क्या होता है रिफ्लेक्स हाइपरलैक्रमेशन। जो हम रिफ्लेक्स हाइपरलैक्रमेशन की बात कर रहे हैं, सेंसरी ब्रांचेस ऑफ फिफ्थ नर्व, वो बात कर रहे हैं मेनली लेक्राइमल नर्व, विच इज अ ब्रांच ऑफ द ऑप्थैल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, देन कम्स द एपिफोरा।
फिजियोलॉजिकल लैक्रिमल पंप फेलियर ड्यू टू लोअर लिड लैक्सिटी और वीकनेस ऑफ ऑर्बिकुलरिस मसल। फिजियोलॉजिकली अगर लैक्रिमल पंप का फेलियर हो जाता है, लैक्रिमल पंप में क्या होता है, वो आई ब्लिंकिंग की वजह से वाटर को ड्रेन करता है फ्रॉम द कंजेक्टिवल सैक टू द नोज। अगर वो लैक्रिमल पंप का फेलियर हो जाता है, क्यों होता है, अगर हमारी लोअर लिड लैक्सिटी हो जाती है, वो वीक हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं रहती, या फिर ऑर्बिकुलरिस मसल के क्लोजर की वजह से, वीकनेस की वजह से एपिफोरा हो सकता है। एनाटॉमिकल रीजन क्या है, अगर फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लैक्रिमल आउटफ्लो सिस्टम एट एनी लेवल फ्रॉम पंक्टन टू नेसोलैक्रिमल डक्ट ओपनिंग इन द इन्फीमिटस। अगर ये जो हमारा लैक्रिमल एपरेटस है पूरा, जहाँ के पंक्टम है, कैनालिकुलाई है और लैक्रिमल सैक है, नेसोलैक्रिमल डक्ट है, इसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर लैक्रिमल आउटफ्लो में या टीयर्स आउटफ्लो में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है किसी भी लेवल पे फ्रॉम पंक्टम टू द नेसोलैक्रिमल डक्ट ओपनिंग इन द इन्फीमिटस, तो क्या हो सकता है, एपिफोरा हो सकता है। फिर इसमें है कॉजेस, पंक्टल कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन, अगर पंक्टम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कंजनाइटल एब्सेंस और प्राइमरी पंक्टल स्टेनोसिस, अगर कंजनाइटली पंक्टम ही एब्सेंट है या फिर पंक्टल में स्टेनोसिस है, वो ओपनिंग है जो वो बहुत छोटी है, तो पंक्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, उसकी वजह से एपिफोरा होगा। साइकेट्रिशियल क्लोजर फॉलोइंग इंजरीज, बर्न्स और इन्फेक्शंस, पंक्टल स्टेनोसिस, ठीक है, अगर कोई इंजरी हुई है, पास्ट में कोई बर्न की हिस्ट्री है या फिर कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से जब हीलिंग होती है तो वहाँ पे जो स्कार बनता है उसकी वजह से पंक्टम का स्टेनोसिस हो सकता है। इस केस में हमको क्या करना है, डायलिटेशन करना होता है पंक्टम का, या फिर पंक्टोप्लास्टी करनी होती है, उसको बोलते हैं 2 और 3 स्निप प्रोसीजर। अगर कोई फॉरेन बॉडी है, लाइक आईलैश अगर लॉज हो गई है पंक्टम में, तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, उस केस में हमको क्या करना है, रिमूवल ऑफ दैट फॉरेन बॉडी। कई बार क्या होता है, हम कुछ ड्रग्स का प्रोलॉन्ग यूज करते हैं, उसकी वजह से भी पंक्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, लाइक हाइड्रोक्सीयूरिडिन और पाइलोकार्पिन जैसी मेडिसिन का वो यूज से भी पंक्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है, ड्रग्स को बहुत जुडिशियली यूज करना है। इवर्जन ऑफ पंक्टम, इट इज कॉमनली सीन इन ओल्ड एज ड्यू टू लैक्सिटी ऑफ द लिड्स। अगर लिड लैक्सिटी है, ओल्ड एज है, तो उस केस की वजह से क्या होता है, इवर्जन ऑफ पंक्टम, पंक्टम पलट जाते हैं, ठीक है। इट मे ऑल्सो अकर फॉलोइंग क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस, क्रॉनिक ब्रेफ्राइटिस एंड ड्यू टू एंड कॉज ऑफ एक्ट्रोपियन, ठीक है, ये क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस है उसकी वजह से हो सकता है, या क्रॉनिक ब्रेफ्राइटिस है, या एक्ट्रोपियन का कोई कॉज है, उसकी वजह से भी इवर्जन ऑफ पंक्टम हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कैनालिकुलर कॉजेस, उसमें कंजनाइटल स्टेनोसिस, कंजनाइटिकली कैनालिकुलाई में जो ल्यूमन है वो बहुत पतला है, तो उसकी वजह से हो सकता है या तो वो ब्लॉक हो जाए या ल्यूमन बहुत पतला हो जाए। एक्वायर्ड कॉजेस में आते हैं आपके ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी है, कोई फॉरन बॉडी लॉज हो गई है, या स्ट्रिक्चर्स है, या फिर कैनालिकुलाई में कोई इन्फ्लेमेशन है, कैनालिकुलाइटिस है, इसकी वजह से क्या होते हैं, पाउटिंग ऑफ पंक्टम। फिर है लैक्रिमल सैक कॉजेस, कंजनाइटल म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड्स, अगर लैक्रिमल सैक में कंजनाइटली म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हैं, या ट्रोमेटिक स्ट्रक्चर्स, पोस्ट परफोर्टिंग ट्रॉमा, केमिकल इंजुरीज, ठीक है, या फिर ट्रॉमा की वजह से वहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया है, या कोई ट्रोमा है, केमिकल इंजुरीज है, उसकी वजह से स्ट्रक्चर हो गया है, या फिर डेक्रायोसिस्टाइटिस है, लैक्रिमल सैक में इन्फ्लेमेशन है, दैट कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक, या डेक्रायोलिथियासिस है, अगर लैक्रिमल सैक में अगर स्टोन अगर हो जाता है तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या फिर कोई ट्यूमर है लैक्रिमल सैक का, ठीक है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल कॉज होता है अटोनिया ऑफ सैक, अगर सैक की जो टोनिसिटी है, मसल टोन है, अगर वो उसका लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से भी लैक्रिमल सैक से काम नहीं कर पाता, एंड इट विल कॉज द एपिफोरा। फिर नेक्स्ट है नेसोलैक्रिमल डक्ट कॉजेस, कंजनाइटल कॉज हो सकता है, इसमें एक्वायर्ड कॉज हो सकता है, कंजनाइटल कॉज है,
नॉन कैनलाइजेशन, अगर जो कैनाल बन रही है नेजुरल क्राइम अलर्ट वो नहीं बन पा रही है तो उसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, या पार्शियल कैनलाइजेशन जो नेजुरल क्राइम अलर्ट बनी है वो प्रॉपर नहीं बनी है, कंप्लीट नहीं बनी है, या इम्परफोर्ट मेम्ब्रेनस वॉल्स, मोस्ट कॉमन वन इज इम्परफोर्ट वॉल्व ऑफ हेसनर। जो नेजुरल क्राइमल डक्ट ओपन होती है इंफीरियर मीटर्स में, तो वहां पे एक वॉल प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड द वॉल्व ऑफ हेसनर। अगर वो से परफोरेशन ही नहीं है, अगर वो इम्परफोरेट है तो उसको वो पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी नेजुरल क्राइमल डक्ट को, दैट विल बी अ कंजेनाइटल कॉज। एक्वायर्ड कॉज में हो सकता है ट्रॉमा अगर हो जाता है कोई एनएलडी में, या इन्फ्लेमेशन है, डेक्राइसिस्टाइटिस है, तो अगर लैक्रिमल सैक में इन्फ्लेमेशन है तो उसकी वजह से भी नेजुरल क्राइमल डक्ट में भी इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या कोई ट्यूमर है, या सराउंडिंग बोन या डिसीजेज है, तो इन सभी की वजह से क्या हो सकता है, एपिफोरा हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में द क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ अ वॉटरिंग आई। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। थैंक यू सो मच। नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेवियन डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शलाकय तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ आई। एनाटॉमी ऑफ आई में भी दो टॉपिक्स होते हैं, सबसे पहले होता है एनाटॉमी ऑफ द आई बॉल एंड सेकेंड वन इज द ऑर्कुलर एडनेक्स। सो वट इज आई बॉल? इट इज अ सिस्टिक स्ट्रक्चर कैप्ड डिस्टेंडेड बाय द प्रेशर इन साइड इट। द शेप ऑफ द आई बॉल इज एक्चुअली ऑब्लेट स्फेरॉइड, इट इज नॉट द एक्चुअली स्फेरॉइड। इट हैज टू पोल्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल्स। इट हैज द इक्वेटर, देन दे हैव गिवन द डायमेंशन, द एंटेरो पोस्टीरियर डायमेंशन इज 24 mm, हॉरिजोंटल डायमेंशन इज 23.5 mm, वर्टिकल डायमीटर इज 23 mm, and circumference of this spheroid is 75 mm, and volume of the eyeball is 6.5 mm, and weight is 7 gram. And here is an image, you can see they have shown the shape of the eyeball, which is oblate spheroid, and they have shown the anterior pole on the left side and the posterior pole on the right side, as you can see. And there is a meridian, there is geometric equator, geometric axis, you have vertical diameter. So the eyeball is surrounded by the facial sheath, which is known as the Tannen capsule. The eyeball is formed of segments of two spheres, anterior transparent smaller and the posterior opaque and it is larger. Anterior pole is the center of curvature of anterior segment and posterior pole is the center of curvature of posterior segment. The equator lies midway between the two poles. Here is a clear image in which you can see the anterior pole, posterior pole. Then what is an equator? Equator is an imaginary line about the eyeball, which is the equidistant from the poles. We have two poles, the anterior pole and posterior poles, and between the two poles there is a imaginary line perpendicular to the line joining the two poles, which is equidistant from the both the poles. Then what is meridian? It is one of many lines passing from pole to pole that intersects the equator at right angles. Then what is optic nerve? It leaves the eyeball slightly ventral to the posterior pole. Then comes the cords and the contents of the eyeball. There are three cords of the eyeball. First one is the outer protective layer, which is called the fibrous coat. It comprises of cornea and sclera. Cornea is a clear structure and sclera is, and the junction of the cornea and sclera is known as limbus. Second layer is the middle vascular layer, and it has three layers, iris, ciliary body and choroid. Third coat is the inner nervous layer, which is known as the
रेटिना। सो हेयर कंप्लीट्स द एनाटॉमी ऑफ द आईबॉल एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द डिफरेंट कोर्स ऑफ द आईबॉल। थैंक यू सो मच। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद दिस डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। थैंक यू सो मच।